cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. अस्सलामुअलैकुम। तो मरियम की ज़िंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यारी प्यार। उम्मीद करती होंगी आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे, और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और माशाल्लाह से भी हमारा स्कूल का टाइम हो चुका है, बज रहा है 5:30, और अभी मैं तो नमाज़ पढ़ के मेरा हो गया है। अभी अयान की नमाज़ चालू है, तो अभी आप लोग मैं बताती हूँ। मेरा चाय भी बन चुकी है और मैंने टिफिन में नाश्ता भी लगा दूँ। ये आया नमाज पढ़ रहा है, ये दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग ऐसी दुआ करना कि मेरा बेटा ऐसी नमाज पढ़े, ऐसी तरक्की करती जाए, ऐसे अल्लाह की नज़र में भी पास होए और दुनिया में भी पास रहे। परवरदिगार, बस दुआ करना आप लोग कि मेरा बच्चा भी इतना सुबह उठता है, बराबर नमाज पढ़ता है, कि थोड़ी तस्बीह पढ़ता है, या है या तो नहीं पढ़ेगा। अभी सुबहाना का पढ़ेगा 35 बार, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा 35 बार, अल्लाह अकबर पढ़ेगा 35 बार, फिर वो नाश्ता करने बैठेगा और शर्ट पहनेगा, खाली पैंट पहना है। तो वैसे दुआ लोग में याद रखो और वैसे मेरे घर में बरकत रहे। और ये देखो मैंने नाश्ता लिखा हूँ, बटर और चाय और पानी है ना। मैं अभी बताती हूँ, अभी मैं ब्रेड लेके आ रही हूँ अंदर से किचन में से। तो चाय का गैस बंद करती हूँ, चाय तो मैं थर्मास में भर दी, बच गई इतनी चाय। तो चाय का थर्मास में लिया था, पेड़ा फ्रिज में था, मैंने चाय इसमें बना ली, इसमें चाय बनाती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नाश्ता करने को। लगा ही हो, ये तो लगा है चावल के। अपने वाले जूनियर वाले घर के ऊपर जो मेरा पवई में घर है। तो माशाल्लाह देखो यहाँ का काम चालू है, तो देखो टाचा वाचा सब मार के हो चुका है पूरी दीवारों पे, क्योंकि हम लोग इधर डबल माले का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से घर का काम नहीं हुआ था, तो देखो अभी चैनल वैनल सब डलवाएंगे। अभी आना पड़े अंदर है ना, बहुत सारा फिर एक आधा पसारा भी निकल जाएगा। हाँ ये जैकेट देखेगी ना, हाँ नहीं जैकेट तो लगेगा ना, फिर बाद में या क्या बोले भाई जी। हाँ भाई जी ना इसी करो, हाँ करके। तो ये देखो ये दिवाली वाले सब मतलब पूरा टाचा मार के हो गया, बस अभी सेलेब डालेंगे। हाँ तो कूलर अच्छा है, वहाँ रखेंगे अभी शाम में, तो फटाफट अभी काम चालू होएगा। देखो पलंग वलंग भी कैसा प्लास्टिक व्लास्टिक डाल के कवर करेले है, और ये कबर्ड के ऊपर भी बस मेरा सामान अच्छे से हिफाजत में रहे। पर चलो बाद में ना इसके भी थोड़ा ढाप देने बोलना है ना करके, क्या सीमेंट वीमेंट गिरे नहीं। फिर अभी देखते हैं अभी कैसा, अभी तो ऐसा दिख रहा है आपको, जब माला बन जाएगा जब भी देख लेना कैसा लगेगा। और ये हमारी फरजाना खड़ी है, और हमारे साबुद्दीन, हाँ और हमारे साबुद्दीन भाई ने कंट्रैक्ट लिए माले का। पप्पी और चप्पी क्या मेरे छाती में घुसा के रखो क्या, अभी कितना सामान उठा उठा के रखे, कुर्सी से छोड़ खराब हो गई, नहीं लेके आएगी। फ्रिज भी देख छोटा वाला इसी पड़े ला रहे, बाप रे बाप बहुत काम है रे बाबा, घर होने के बाद सफाई का कितना रहेगा ना फरजाना।
सोना धाना। और तेरे को भी आना, तू तो खाली आईटे पे आना, सफाई मैं करूंगी सब। हाँ क्या भारत से बयाना लेने आऊंगी ना, कुछ हाँ सही बात है, पर जरा खाला ही लेके आने वाली है। पहला पहला तो भाड़ा आप, पहला तो अपन डिपॉजिट रखेंगे ना, सही है ना? पहला एक भाड़ा, पहला डिपॉजिट। अच्छा, इतनी मेहनत काहे के लिए कर रहे फरजाना? हाँ बोलना जरा, हाँ इतना माँ लोग पैर दुखाएंगे और बच्चों को रेडीमेड सब चाहिए है ना। किचन में तो इतना अंधेरा है, कुछ दिख रहा नहीं बाबा। तो आओ कॉफी पीने के लिए। तो माशाल्लाह हम लोग कॉफी पी रहे हैं, और ये हमारे जमील ने लेके आए है ना। और ये जमील भी हमारा बहुत जाना माना है काम में, एकदम फेमस आदमी है ये फिल्टर का ना फरजाना। और ये फरजाना ने कॉफी मंगाई है, तो अभी मैं कॉफी पी रही हूँ। वहाँ हूर देखो, हूर लोग बैठे, ए हूर को लाना रे। तो नहीं मंगती रे। तो अब फरजाना का ड्रेस मस्त लग रहा है। हाँ अरे नानी का घर दे दिया आंटी ने, नानी ने तोड़ दी। ए खाला नानी को थैंक यू नहीं बोली, चॉकलेट लाई तो थैंक यू बोलो, नानी को थैंक यू बोलो। ले लो अभी ले लो, चलो देख लाओ दे दो। थैंक यू नहीं बोलते तो नहीं। हाँ थैंक यू बोलने का, इतना सारा याला चॉकलेट। तो आज हमारे इधर बन रही है प्राउन्स कड़ी और चावल स्टीम राइस। तो उसके साथ में बनेगा स्टीम राइस। देखो अभी मैं चढ़ा रही हूँ, बस गैस चालू हो जाए मेरे से। अब गैस चालू नहीं होता है मेरे से, क्या पता गैस को मेरे से क्या दुश्मन ना ना। बहुत सारी स्मेल आती है क्योंकि ये इसका डायरेक्ट वाला है ना, मुझे ऑटोमेटिक गैस की आदत ही है। ये लोग नूरी लोग ऑटोमेटिक को एकदम डायरेक्ट कर दिए, सब उल्टा उल्टा काम है ना। तो ये देखो पहले तो हम लोग आज बना रहे हैं हल्दी वाला। हमेशा बोलती ना आपको, हम लोग प्रॉन्स बनाते तो इसके अंदर कड़ी पत्ता, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हल्दी, थोड़ा मैगी मसाला बस, और कुछ भी नहीं, नमक। तो ये हम बनाएंगे हल्दी वाला प्राउन्स। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर ज़्यादा हमको मसाला नहीं लगाना है, नहीं तो फिर वो ज़्यादा मसाले वाला नम गिदगिद, बहुत कम मसाले में ये बनेगा। तो इसको मैं लगा के छोड़ देती हूँ। ओके बनाती। ओके थोड़ा टाइम रुक जाओ, बनाती नानी। ओके आ चलेगा ना क्या का? ये प्राउन्स बना रही हूँ। ओके जानू प्राउन्स खाएगा ना? हाँ देखा ना, देख तेरे बाल देखी लाल हो रहा है। और इसके साथ में देखो ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, टमाटर और गिल्ला नारियल, ये सब पीसे हमने। थोड़ी सी इसमें और हल्दी डालूंगी, परी ने थोड़ी हल्दी कम डाली है, परी मसाला पीसी ना। बच्चे लोग के मसाला पीसने में, अपने मसाला पीसने में हर चीज़ में फ़र्क होता है ना, छोटी अभी इतना नॉलेज नहीं है। और ये देखो ये मैं अपना घर का जो हम लोग मसाला डालते हैं वो डाल रही हूँ मच्छी में, फिश कड़ी में। और ये देखो लाल हो चुका है अच्छा मस्त, कड़ी पत्ता डाली थी। और इधर देखो मैंने इधर झींगा रखी हूँ, एक मिनट है ना कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह स्टीम राइस और रोटी बन चुकी है। अब ये मसाला थोड़ा भुने जाएगा, इसके साथ में मैं एक आलू और कट करूँगी। छुरी का रखी थी मैंने अभी, एक तो ये क्या ब्लॉग बनाने के टाइम ना एग्जॉस्ट फैन नहीं चालू कर सकती, और चिमनी का भी साउंड ज़्यादा आता है। तो ये
में जाता है ना मेरे को छिकी आती फिर। तो ये देखो अभी स्लो पे मसाला अच्छा भुने जाएगा। नमस इसको ढक्कन लगा कर थोड़ा टाइम में छोड़ दूंगी मसाला भूनने के लिए। और इधर ये चावल भी हो रहा है अच्छे से, इसको थोड़ा ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी। और ये छुरी मिल गई इधर है ना, आलू वो सब खलास भी हो गया, बाजार भी। कल इंशाल्लाह जल्दी उठूंगी तो मार्केट जाऊंगी नीचे बाजार के, क्योंकि कांदा वांदा सब खलास हो गया है, लाने के लिए टाइम भी। मजा आई है आज की। उसके पापा ने 15 अगस्त का कपड़ा लेके आए हुर के लिए, और कुछ मंग रही थी खिलौना भी लेके आए। सब लोग परी नीचे गई, उसे 15 अगस्त का कपड़ा पहनी। ये लोग ये अभी मिल नहीं बाबा, ये मिल्क डाल रही तो हाँ तो वो लेके कस्टम से अंदर से जाके लेके मैं सोचा नाइट के कपड़े ले, अच्छा रात में फ्रेश कर दो। फिर डेडी समीर बोल रहे कि नहीं वो 15 अगस्त का है। मैंने बोला अभी क्या करते हो, तो हाँ क्या मालूम जो जो मोबाइल में देखती ना उसको वो कपड़े चाहिए, अभी 15 अगस्त का देख के ना जाके लेके आई है। आधा मैगी मसाला इसका बच गया था तो मैं इसके अंदर डाल दी, क्योंकि आधा आधा मैगी मसाला दोनों में डाली हूँ। तो मस्त खाना बन रहा है, और मैं क्या थोड़ा लेट ही बनाती हूँ क्योंकि गरम गरम जैसा बनता ना फिर वैसे ही लोग खा लेते हैं बच्चे लोग सब, ठंडा हो जाता तो फिर मज़ा नहीं आती है ना, है ना अनाप? अनाप की बहुत भूख लगती है, मैं खाना बना लूँगी। तो कल भी मैंने देखी ना अनाप ने कभी से खा ली खाना, फिर परी ने क्या लाई थी बर्गर लाई थी ना बाद में, तो उसको बोली बर्गर खा तो बोलती नहीं मैं तो खाना कब से खाई बाबा, मेरे को इतनी भूख लग रही थी, बोले पुलाव बनाता तो मैंने जब भी खा ली थी। अया नीरज ने सबने खा लिए थे कल। नमक डाल दी हाँ। तो चलो अभी कुछ बातें भी मुझे करना था वो अट्ठनी के लिए करके। हम लोग का सबका फेम पापा के आज सब उसको लोग पहचानने लगे, और वो बोलती कि हम लोग उसके वजह से। एक टाइम ना इमरान ने मुझे उससे जबरदस्ती बात करा रहा था, बोला आपा बात करना चाहती है, तो मैं बोली नहीं नहीं मुझे नहीं बात करना उससे। तो इमरान बोला जान दो ना आपा सब शिकवा गिला दूर करो, तुम भी उमरा करके आए ले, वो भी आए अभी ऐसा ऐसा। तो फिर इमरान ने मुझे बात कराया, तो बात करिए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हाँ अभी क्या बोलता है इसका बेटा, और ये क्या बोलते हैं हम लोग की कोई पहचान नहीं है, मेरे फॉलोवर नहीं है, मेरे क्या नहीं है, मुझे व्यूज नहीं है, जो भी ओके। तो जब इससे मेरी बात हुई है ना तो इसको कसम खाने बोले, इसने क्या अल्फाज बोली है, बोली इंस्टाग्राम पे और सब जगह ना कौन छाया है पता, तू और मई छाए ले, बाकी लोगों को तो कोई पहचानता ही नहीं है, गोल ग्रुप वाले को तो कोई जानता ही नहीं है, पूरा इंस्टाग्राम के ऊपर ना क्या हो समीर, पूरा इंस्टाग्राम पे तो तू और मैं छाए। ये किसने बोली, अट्ठानी ने मुंह से बोली है क्या? और अभी इसका बेटा ये क्या बोलते है, मैं कटोरा लेके भीख मांग रही है, मुझे भीख की जरूरत है ही भी नहीं, माशाल्लाह मेरे भी इतने अच्छे फैन फॉलोवर है ना, वो मुझे बताए तो कहते मेरे को दिखाने की जरूरत है तो मेरे को भी इतनी दिखाने की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत है और अच्छे करते समझिए, ऐसे रोड छाप वो सब नहीं करते, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे लोग रहते ना जो फैमिली वाले, अच्छे लोग मानने वाले, बच्चे वाले, घरेलू लोग, ऐसे लोग लाइक करते हो। तेरे को कौन लोग लाइक करते पता है ना, तेरे को खुद अच्छी तरीके से मालूम, तू जैसी कैटेगरी की है ना वैसे कैटेगरी के लोग है ना। और दूसरा एक वीडियो में तूने ना, मैंने अभी देखी थी किसी ने डाला है वो टिकटॉक के टाइम का, क्या बोलते वो डालते रहते हैं ना कौन कौन अपना मतलब नए नए नाम से हम लोग का वीडियो, तो कोई ने डाला है क्या आईडी मैं बाद में बताऊंगी। तो उसमें तूने भोकी थी टिकटॉक के टाइम पे, क्या वो हमारा फरजाना का जो झगड़ा था तेरे साथ में जो झगड़ा था, तो तूने बोली कि मैं अजमेर जाती बराबर, तो बोली मैं अजमेर जाती हूँ तो मैं क्या करने जाती हूँ, वो तेरी भाषा में तू बोलती ना सबको, बोलती मैं बुरा तो बोलती नहीं हूँ, मैं तो ऐसा बोलती नहीं हूँ, मैं तो किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, फिर बोलती मैं इसको फाड़ दूंगी, वो मेरे को बुरा बोली तो मैं इसको नंगा करूंगी, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। तो तूने क्या बोली थी एक एक वीडियो में टिकटॉक के टाइम पे कि मैं अजमेर जाती ना मैं झगड़े ऐसा ऊपर का थोड़ा
मैं अजमेर जाती ना तो मैंने धगड़े फंसाने के लिए मैं जाती हूँ अजमेर, है ना, ट्रेन में। तेरा तो मरद धगड़ तो तेरा आता नहीं है, उसको छोड़ के जाती है, अकेली अकेली जाती है, कुछ करने को जाती हूँ। तो देख मैं इतने साल से जा रही अजमेर, तो आज तक तो कोई मेरे को ऐसा बोल नहीं सकता है। पूरे ट्रेन में लोग जानते हैं और मेरा ब्लॉग भी देख रहे रहेंगे तो भाई बहन लोग जो भी मुझे अजमेर में देखते रहेंगे तो पहचानते। तो कोई मेरा दुपट्टा ना यहाँ का वहाँ दुपट्टा भी ओढ़ती ना कोई यहाँ का वहाँ नहीं देखता, और आज बुरखा भी पहन गया था ना कोई यहाँ का वहाँ नहीं देखता। और अल्लाह का करम है मैं अकेले ही जाती थी। तो एक मेरी कुछ मैं तो सालों से ऐसा था कि मैं पहला छट्टी नहीं मानती थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था पैर का, तो मैंने मानी थी कि अल्लाह मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा तो मैं मेरी जिंदगी जब तक है मैं छट्टी करने जाऊंगी, ऐसी कोई मन्नत नहीं मुराद नहीं थी। मतलब मैंने एक बोली थी कि समीर की तबीयत अच्छी होगी, तो समीर ने मुझे आज तक कभी अकेला अजमेर भेजे नहीं थे। फिर वो जुलियापा लोग जाते थे, समीर ने मैं जुलियापा कोरे मैं नहीं जानता ऐसा नहीं वैसा नहीं समीर भी बोलते थे, मगर जुलियापा लोग से मिलाई तो समीर बोले हाँ हाँ नहीं अच्छे लोग जाया कर। फिर जुलियापा क्या, फिर कुलसुम, फिर सब लोग सब ऐसा मिलने लगे, सब करने लगे, फिर सब ऐसा सबसे मिलजुल हो गया, इससे भी मिल लिया अपन। तो फिर तुमने क्या बोले ऐसा झगड़े पकड़ने, तो तूने आज तक तो ना किसी के साथ में कोई बोल ही नहीं सकता। तो स्टेशन पे उतर के छिचोरेगिरी कर रही कि अपने स्टाइल बता रही कि ये कर रही वो कर रही, अपन जिससे ही बात करते ना भाई बेटा बाबा बोल के बात करते। तू देख झगड़े दीवानी थी, तूने ट्रेन में जा जाके झगड़ा पकड़ी है ना, तो बम्बई में तो कोई झगड़े ने भाव दिया नहीं तेरी काली शक्ल के ऊपर, तो तूने झगड़ा कहाँ पकड़ी, सूरत का जाके। और कैसा पकड़ी, तूने पहला समझी क्या बुड्ढा बहुत पैसे वाला है, तेरी स्टोरी मैं बताती लोग क्या बताएंगे वो तो बाद में तेरे बुड्ढे ने बताया रहेगा सर, हमको तेरी पहले से मालूम थी। तूने सोची बुड्ढा बड़ा पैसे वाला है, समीर लोग ऐसा बुड्ढे ने तेरे को दिया तूने तेल की दी घी की दिया और नहीं तेल की दिया और घी की लिया समझी। बुड्ढे ने तेरे को पहला भपाड़ने के लिए बड़े बड़े झींगे बड़ी बड़ी मच्छी बिरयानी मच्छी की डब्बे के अंदर लाता था खिलाता था, डब्बा बोलता था मैं फेंक देता हूँ, इतनी मतलब बड़ाई दिखाता था। फिर बेचारे मेरे दोस्त लोग थे मलाड़ के, तो लोग बोलते थे भाई तुम कहीं के लिए फेंक रहे डब्बा अब्बा, हम लोग को दे तो हम लोग घर लेके चले जाते। तो लोग आके बोलते थे अरे वो एक सायरा सट्टा नहीं आती ना मलाड़ की, उसके साथ में कोई एक आदमी है बुड्ढा जैसा क्या बोलते क्या बोलते सूरत सारा खाना वाना आइसक्रीम आइसक्रीम सब लेके आता है, और खाना वाना खाने के बाद में वो क्या करता है ना वो डब्बा वब्बा फेंक देता। तो हम लोग बोले कि हमारे को दे दो, बोले हमको ना अभी बुड्ढा बोला हमको ना अभी यहाँ से ना अजमेर से ना हमको आगे जाना है, जो तू निका विका पढ़ाने जा रही थी बुड्ढे के साथ में दिल्ली विल्ली में रह रही थी जाके दरगाह का नाम खराब कर करके, दरगाह का नाम नहीं खराब करती थी ना, तेरे को सोना सुलाना था तो तू डायरेक्ट ही जा जाके सोती थी ना किधर भी, अजमेर का नाम खराब करती थी, अजमेर में छट्टी करती थी और निकल के बुड्ढे के साथ सोने को निकल जाती थी। तो हम लोग ने ये काम नहीं किए, तो सॉरी हम लोग को तेरी गिनती में नहीं गिनना, तेरी कैटेगरी के नहीं हम लोग। हाँ तो फिर इतने में देखो तो फिर वो बुड्ढे को सोची बहुत पैसे वाला है, मैं पैसे वाले से शादी करूंगी। बाद में देखो तो तूने क्या करी, फिर बुड्ढे को समझी पैसे वाला, बुड्ढे ने भी तेरे को दिया भपार मैं बहुत पैसा वाला बंगाल वाला हूँ फलाना वड़ीमका हूँ, और बाद में देखो तो बुड्ढा निकला लुखा है ना। फिर तू मुंह पकड़ने लग गया, उंगली पकड़ने लग गई मुंह के अंदर कि अरे अल्लाह मैंने ये क्या कर ली, मैं तो अपने मुंह पे खुद ही चप्पल मार ली है ना। तो दुनिया को दिखाने के लिए उसको वीडियो में लेने लगी, अभी कैसा मैं ब्लॉग बनाऊ फैन फॉलोअर करूँ ये सब करने में तू मगन थी, तो कैसे भी करके बुड्ढे को करी तो चलाओ तो सही, तेरी वो झुट्टी मुट्टी शादी चलाने लगी। मगर तूने देख हमको बोली ना बुरा, हम धगड़ पकड़ने गए क्या पकड़ने गए, तो हमने अल्लाह का करम अभी तक कुछ नहीं पकड़े। और तेरा नाम देख पूरे सोशल मीडिया पे इतना फेमस हो गया कि हमको तो किसी ने कोई नाम आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं दिया मरियम शेख के सिवा, मरियम आपा के सिवा जो भी है ऐसा। तेरे को तो मैंने गिल्ली चड्डी नाम देने से तू तो इतनी फेमस हो गई कि तेरे को 17 से 60 नाम मिले ले, हम लोग को मजा ले कोई ऐसे नाम से बोल दे। तू इल्जाम लगाती है हमारे 10 मर्द है, हम दुबई से समीर को लेके आए, मैं दुबई में रहती थी, मेरे बच्चे इधर के, मेरा बच्चे उधर के, वो तू इल्जाम सब पे लगा सकती आपका गटर छाप, मैं भी अभी कुछ बन जाऊंगी, मैं हाँ मैं नाचने वाली है ना, सब मतलब सबको हम लोग बुरे है। तू एक साहु सकती एकदम नमाजी परेजी, और आज वहां से आई थी मदीना से और हरम यहाँ से क्या बोलते बगदाद शरीफ से, अभी तो मेरे सर से मैं चाहूंगी कि ये अभी उतरे नहीं, जो लंगोट के इतना कपड़ा बांध के घूम रही थी ना सर पे बच्चे की लंगोट के इतना उतना तो रख देती थी, ये निकले नहीं, और अभी क्या ये तेरे ये दिखा रही ये दिखा रही ये दिखा रही। हाँ 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 क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह क्या हुआ, आ रे आ रे आ रही।
तो छोड़ दे बेटा, तो लंगोट कितने इतने डाली थी सर पे, वो तो रखती थी हाँ, वो तो तेरा टीका नहीं, तुझे तेरे नंगे नाच है ना, आज की नारी सभी आज के नारी है। और ऊपर से अभी एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी मैं वीडियो यहाँ से खलास करूंगी। तो फिर इतने में इसका बेटा अभी कल सना के लिए जो भी बना रही चटनी का सना, उसके लिए बना रही हूँ, मैंने नाम दी, माशाल्लाह बहुत फेमस हो गया, अल्लाह करे और ज्यादा फेमस हो, हर एक बच्चे बच्चे के नाम जबान पर है, गिली चटनी गिली चटनी गिली चटनी गिली चटनी है ना। तो सना का साइज वो इतना दिखाई, सना ने उसका साइज इतना दिखाई, ओके जाने इसका ट्रिपल एक्सएल है, चौबल एक्सएल है, जो भी है। इसका बेटा बोल के बैठ के बोल रहा है ये ट्रिपल एक्सएल है, तो इसको मालूम है इसकी माँ का साइज क्या है, क्यों ये इसकी माँ की चड्डी लाने जाता है क्या हाँ। इसको औरतों की चीजों में तो इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, चलो तू क्या भी बोल रहा है उनको समझ में आ रहा है, मत चड्डियों के बीच में तो नहीं बोलना चाहिए ना, तो शर्म रख, अच्छा नहीं लगता है लड़के जात के ऊपर इतना बेगरत पना हाँ। गाड़ी में बैठ के क्या बोल रहा है एयरपोर्ट से आ रहा, तो ये ट्यूबवेल एक्सल है इसकी माँ बोरी सुराग का, तो तू बराबर बता रहा कि तेरी माँ की चड्डी तू लेके आता है, तो बड़े छोटे का ना लियाज करना सीख, हमारे भी बच्चे कभी आज तक बीच में ना किसी के बोले नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए हमारे में दम है, हम माँ करने बैठे रहते, हम अपने बच्चे को चौं चौं करने नहीं भेजते, और अभी अपने अपना व्यू गिर जाता है ना अपना वैल्यू, तो भी अपने बच्चों को नहीं आगे करते, जो आप पैसा कमाने का अपना तो घर इस पर ही चल रहा है ना, काम धंधा तो तुम लोग को है ही नहीं, अगर काम धंधा था तू काम धंधे पर जाता, तेरी माँ जाती हो, तेरा बाप और लापाड़ा वो उल्लू बनाने वाला टोपी बस जाता है किस किस को टोपी लगाने के लिए, तो काम धंधा करते थे तुम लोग, टोपी लगाने का काम नहीं, और तेरी माँ को तो सुबह उठते तो नाचने को मंत्र चाहिए, इधर का पिज्जा चाहिए, उधर का वो चाहिए, सारे जगह का गू चाहिए तेरी माँ को खाने के लिए, जिधर जिधर का कहाँ का पॉटी करके आते ना रात को, वो गू चाहिए, और हम लोग को ऐसी बाहर के गू खाने की आदत नहीं है। तो तू ऐसी ये संडासों में खुश रहे, इतनी बड़ी आउटलाइन लगा ले करके, और टेढ़ा मुँह ले अपना ऐसा, मैं नई जनरेशन की हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ में सब अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली फ्रेंड है, फ्रेंडली है, हम भी हमारे बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली है, समझी, तू एक नहीं है, समझी क्या, बैठ अभी अब, और क्या बोलती रे, वापस एक बार बोलूंगी ये बात को, क्या बोलती, भीग देगी, अरे तेरी तो या तेरे जैसे वो कितने को मैंने भीग दी भेंचोत, तो मेरा मुंह मत खुला, तू क्या भीग देगी रे भिकारन, तेरी गांड है ना फट्टी है मेरा नाम लेने से, क्या नाम लूंगी ना तो इसका नाम फेमस हो जाएगा, तेरी गांड उससे फट्टी है, समझी क्या, चल वट अभी निकल ले। अभी देखे ना कल कल के बाद क्या भूखेगी, हमारा मच्छी का सालन सिलो पे मस्त हो रहा है, स्टीम राइस भी मस्त हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और मैं थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर और थोड़ा इसको आलू और फली गलना चाहिए, थोड़ा और पकाऊंगी, फिर उसके बाद में मैं इमली का पानी डालूंगी इसके अंदर, नहीं तो क्या होगा आलू और फली सख्त हो जाएगी, बोले तो कड़क हो जाएगी, गलेगी नहीं, ओके। तो मैं जब तक क्या करती हूँ, फ्राई पैन के अंदर पानी जरा टाइट है, थोड़ा बैठने उठने में तकलीफ होती है, ओ माँ बैठना का बैठेला काम मेरे को बहुत भारी पड़ता, खड़े रह के जितना भी काम बोलो। तो हम यहाँ से निकालते हैं फ्राई पैन, ओके, हमारे जितने भी फ्राई पैन ये सब अंदर रहते हैं। और आज का मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ज़रा बताना, येल्लो कलर तो मेरे पे बहुत उठ के आता है, सब लोग बोलते है ना, मतलब अपन क्या सीधे साधे पंजाबी ड्रेस पहनने वाले, पाकिस्तानी कपड़े अपने को पसंद है, अपने को चिबल्ले कपड़े पसंद नहीं है, क्रॉप टॉप क्रॉप फिर टॉप आदा क्या क्रॉप फिर टॉप हम लोग पहले क्रॉप के इतने क्रॉप है, फिर हम लोग टॉप पहनेंगे, ओहो अभी हम याला गैस बंद कर देंगे, फिर अभी हम याला गैस फिर से चलाने की कोशिश करेंगे, सच्ची में अनाप ये तो मुझे गैस जलाने नहीं आता है, मुझे सब कुछ फाड़ने आता है अच्छे से, ये काम बहुत अच्छे से करती हूँ, फाड़ने वाला है ना, फाड़ने वाला फिर ऐसा फाड़ने वाला फिर सीने वाला, ओ माँ तो सना ने तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दी यार, क्या पैंट पहनी थी सना ने, एक नंबर ढचकी ढचकी ढचकी, एक नंबर लग रही थी सना,
और सना का वीडियो ऐसे देखते रहो, लाइक करते रहो। माशाल्लाह एक नंबर दिख रही थी सना, और मेरा भाई भी एक नंबर एक्टिंग कर रहा था। और ऐसे लाइक करो, उनको फॉलो करो, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। वो क्या वो बना रहा है, वो लड़का बैठ के है। वो कम बोल रहा, आजू बाजू सॉन्ग ज्यादा रखा है उसका, इसका इसका उसका। तू बोल रहा मुंह से, तुमको नहीं आता है क्या बोलने के लिए? तो ये देखो हमारा झींगा एकदम मस्त जा रहा है अभी इसके अंदर। और ये कड़ी पत्ता थोड़ा काला वाला था वो निकाली, चलो स्लो करती हूँ, तो चर चर उड़ेगा। गज गज मसाले में नहीं बनाने का, हर चीज है भक्कम भक्कम मसाला। जैसे अपने बॉडी के ऊपर सब चोप लेती ना इतना सारा, वैसा खाने में भी मसाला डालती रहती, बाप रे बाप इतना सारा। अरे भी नूरी नहीं आ रही है, क्योंकि हम खाना बना रहे ना एक ही टाइम का। अब ये भी हम भी स्टोर करके रख सकते इतना सारा बना के फ्रिज के अंदर। कल नूरी नहीं आ रही है, हाँ मगर नहीं हमारे बच्चे नहीं खाते। अब बासी खाना सुन्नत है, अच्छा सुन्नत तरीके पे बहुत चलती भाई अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल की सुन्नत तो बहुत है। औरत जाते से बिना पर्दे के बाहर निकलना, बिना दुपट्टे के छाती खुली रख के, ये भी सुन्नत है। मैंने तो सुना कि ज्यादा छाती ऐसा औरतें खुले रख के ऐसे तन के चलते रोड पर, उनकी छाती में पहला कैंसर होता है, हदीस में ये भी लिखा है। हाँ वो सब सुन्नत नहीं मालूम है, खाली रोटी खाना सुन्नत है, रात की रोटी। मतलब हमारा हम चीजों पे सुन्नत नहीं है क्या? बाकी चीजों पे नमाज पढ़ना, नेल आर्ट बढ़ाना, उसके ऊपर नेल पॉलिश हमेशा लगा के रखना, बच्चों का हमेशा चड्डों में रखना, अल्लाह रसूल की पहचान नहीं देना, खाली रमजान में बोलेंगे हमारे बच्चे तरावी पढ़ रहे, बाकी टाइम तो एक बार नमाज को दिखेंगे नहीं, जुम्मा के दिन मुसलमान बना के खड़ा कर देना, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह की सुन्नतें बहुत सारी है, वो उस पर भी फॉलो करो, है ना। खाली इस पर नहीं होता है कि अल्लाह की सुन्नत खाली यही है कि इसके ऊपर ही फॉलो करो, रोटी बासी चावल बासी, है ना। वो गलती हमारी हम लोग ज्यादा बना देते, उसको बोलने का अल्लाह की सुन्नत है। चलो तभी मेरा सालन भी फाइनली हो चुका है, अभी झींगा ही मैंने डाल दी हूँ ना। परिदीदी को कोथमीर ला फ्रिज में, कोथमीर ऊपर तो ये आप देख सकते हैं मेरी खिड़की में जो है ना, ये सामने से अनाप बताई है अभी, तो ये कॉलेज है, वो भी गर्ल्स कॉलेज है, और वो भी इस लोग की में क्या बोलते हैं बोरी लोग के लिए कॉलेज बनी है, खास करके बोरी, खाली बोरी लोग का एडमिशन होता है। और ये तीनों देखो कॉलेज कितनी प्यारी बनी है, और इसका ओपनिंग करने मोदी जी आए थे इधर, और हमारे इधर जो पवई गार्डन LLT की तरफ एक स्कूल भी बना है, बहुत इंटरनेशनल स्कूल बना है, उधर अमित शाह आए थे और इधर मोदी जी आए थे। सामने कॉलेज है, क्योंकि मैं दिन के टाइम तो ज़्यादा किचन में आती नहीं हूँ, इसलिए बता देखो एक दो तीन सब पूरी पूरी कॉलेज ही बनी है, और वो एरिया का नाम भी बोरी कॉलोनी है, तो उधर बोरी लोग का ही एडमिशन होता है। और एक नंबर कॉलेज है, दिन जिस दिन मोदी जी आ रहे थे पूरा रास्ता बंद, मतलब पूरा हेलीकॉप्टर से कमांडो लोग सब घूम रहे थे इधर, बहुत ज़बरदस्त था। और हम लोग उस टाइम ना दरगाह पे थे चांदशाली में, रमज़ान के टाइम उस टाइम ओपनिंग हो गई। तो चलो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन गया, मैं यहाँ ही ब्लॉग एंड कर दूँगी, क्योंकि मेरा सालन भी हो गया है और झींगा भी अभी थोड़े टाइम में हो जाएगा, पानी सूख जाएगा तो झींगा भी पूरा हो जाएगा। तो भी हुआ तो एंड बता दूँगी झींगे का, ये तो यहाँ ही डी एंड समझ लेना, क्योंकि अब बहुत ब्लॉग अभी लंबा चौड़ा हो चुका है ना। चलो ना बबी तू